पोएम स्टेडी एक्स सबसे छोटा गिम्बल किसी भी स्मार्टफोन के लिए और आज हम इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो बॉक्स को अगर खोलें तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्राइपॉड और यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी और उसके साथ ही एक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इस गिम्बल का नाम है स्टेडी एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाला लोगो भी आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगी चार्जिंग केबल जो कि है इस बार USB-C, माइक्रो USB नहीं है। उसके साथ ही हमें मिल जाएगा स्ट्रैप अगर आप इसको अपने गिम्बल से कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये वाला गिम्बल है, थोड़ी ही देर में इसको दिखाता हूँ। और लास्ट में यहाँ पे हमें मिलेगा कैरिंग केस जो कि इस बार बहुत ही अच्छे मटेरियल का बना हुआ है और उसके साथ ही कुछ यहाँ पे हमें मिलेंगे प्रोडक्ट मैनुअल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है आई स्टेडी एक्स, ये है इस गिम्बल का नाम। तो चलो सारी चीजें दिखा दी बॉक्स की, अब सबसे मेन चीज दिखाता हूँ जो कि है गिम्बल और ये है सबसे छोटा स्मार्टफोन गिम्बल। इतना छोटा शायद ही आपने कोई गिम्बल देखा होगा, मेरे हाथ में आराम से वाला गिम्बल फिट आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो नॉब है आपको बस इसको घुमाना है और उसके बाद आपका जो गिम्बल है वो हो गया है तैयार। तो यहाँ पे ये जो गिम्बल है अब आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास है आईफोन 11 प्रो मैक्स, मैं इसके ऊपर माउंट करता हूँ और पहले दिखाता हूँ आपको फुटेज, उसके बाद बात करेंगे प्राइस की और क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये मैं अपने आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होएम के आई स्टडी एक्स गिम्बल को मैं यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके की फुटेज है, फ्रंट कैमरा मैं अभी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि ये जूम वाला जो ऑप्शन है ये मुझे काफी अच्छा लगा, आप जूम कर सकते हो, मैं स्क्रीन में पता नहीं क्यों देख रहा हूँ। और एक बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी गिम्बल की जो होती है स्टेबलाइजेशन, उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इस तरफ दौड़ता हूँ और यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक है अच्छे से काम कर रही है, थोड़ी स्लो है, उतनी तेज़ नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी। शायद यहाँ पे सेटिंग्स होंगी, वो सेटिंग्स को छेड़ते हैं, बट उससे पहले करते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट। अब दौड़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कैसी है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है अभी तक जो मैं देख रहा हूँ। एक बार और थोड़ा सा दौड़ते हैं और देखते हैं स्टेबलाइजेशन। तो कुछ ऐसी है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हमारे आई स्टडी एक्स की। अब फुटेज तो आपने देख लिया, अब अगर मैं गिम्बल की बात करूं तो यहाँ पे ऊपर ही आपको होएम का लोगो दिख रहा होगा, उसके साथ ही ऑन ऑफ वाला बटन है। इस वाले बटन से यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ से आप स्विच कर सकते हो वीडियो मोड या फोटो मोड के अंदर। ऊपर आपको दिख जाएगा जॉयस्टिक, ऊपर आपको मिल जाएंगे 3 बैटरी इंडिकेटर, यहाँ से आपको आपकी बैटरी का स्टेटस पता चल जाएगा। साथ ही है यहाँ पे एक और LED लाइट जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो गिम्बल है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये वाला गिम्बल लोगे तो जैसे ही आप अपने फोन को इसके ऊपर लगाओगे आपको ऐप के अंदर जाना है जो कि है होएम की प्रो ऐप, वहां पे जाकर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने गिम्बल को ऐप के साथ, उसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हो, वरना आप यूज नहीं कर पाओगे, आपका जो गिम्बल है आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो अगर आप ये वाला गिम्बल लेते हो तो आपको ऐप के अंदर जाके पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको यूज कर पाओगे। अब अगर गिम्बल की बात कर रहा हूँ, साइड में आपको दिख रहा होगा जूम वाला डायल, यहाँ से आप ऊपर या नीचे करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। नीचे है ट्राइपॉड के लिए जैसे मैंने पहले दिखाया, और इस जगह पे आप लॉक भी लगा सकते हो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद खोलना है तो आपको इस तरीके से करना है। जब पहली बार यूज करोगे तो ये जो नॉब है इसको आपको बस लूजन अप करना है और उसके बाद आप इस तरीके से खोलो, नॉब को टाइट करो और आप यूज कर सकते हो। और मेरा जो आईफोन 11 प्रो मैक्स है उसको बहुत ही मजे से इस वाले गिम्बल ने हैंडल किया, जो कि इस साइज में जो पावर मिल रही है वो बहुत ही कमाल मुझे लगी, फुटेज आपने भी देखी। और दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है USB-C पोर्ट आपके गिम्बल को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा गिम्बल है मैंने पेयर किया हुआ है अपने स्मार्टफोन के साथ और 11 प्रो मैक्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर रहा है ये वाला गिम्बल। और जो इसका साइज है, अगर मैं ट्राइपॉड निकाल दूं, मैंने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ के अंदर बहुत ही इजीली वाला पूरा गिम्बल आ रहा है। और यहाँ पे जो फीचर्स हैं काफी अच्छे मिलते हैं, आपने यहाँ पे फुटेज देखी जो कि काफी ज्यादा स्टेबल थी। कुछ चीजें जो मैंने फेस की इसको यूज करते टाइम, पहली चीज यहाँ पे जो इसकी मोटर है वो उतनी ज्यादा तेज नहीं है जितनी और गिम्बल्स में हमें मिलती है, तो थोड़ी सी स्लो मुझे लगी। तो यहाँ पे जब आप इस गिम्बल को ऑपरेट करते हो जॉयस्टिक से तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मूवमेंट है वो तेज है बट उतनी ज्यादा नहीं, बट ऑब्वियसली जो इसका प्राइस है उस प्राइस में जो मिल रहा है वो ठीक है। बट ये जो चीज है, अगर ये जो स्पीड है थोड़ी सी तेज होती तो और ज्यादा मजा आता। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके पेलोड की, 280 ग्राम तक का फोन ये वाला गिम्बल बहुत ही इजिली हैंडल कर सकता है। और इसका खुद का जो वेट है वो है 259 ग्राम्स। और उसके साथ ही यहाँ पे दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मेरे पास है व्हाइट कलर, इसके साथ ही दूसरा कलर आता है ब्लैक।
प्राइस है इसका $79 और आज से ये वाला जो गिम्बल है मार्केट के अंदर आ गया है। अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 8 घंटे की बैटरी लाइफ आपको ये वाले गिम्बल में मिलेगी और 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। और यहाँ पे काफी सारी चीजें इन्होंने डाली है आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए। OEM का एंटी शेक 3.0 वर्जन यहाँ पे दिया है जिसको आपने वीडियो में देखा होगा। जो वीडियो है काफी ज्यादा स्टेबल है और उसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जो है मोड्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंसेप्शन मोड जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इस वाले मोड से आप काफी यूनिक इफेक्ट्स डाल सकते हो अपनी वीडियो में, जैसे मैं अभी उल्टा सीधा हो रखा हूं। अब अगर मैं और फीचर्स की बात करूं ट्राइपॉड को कनेक्ट करते करते, तो यहाँ पे फेस ट्रैकिंग वाला फीचर भी है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो। फेस ट्रैकिंग जो है काफी अच्छे से काम करती है, बट आपको बहुत स्लो मूव होना पड़ता है। और अगर मैं नीचे बैठ रहा हूं तो आप लोग देख रहे हो गिम्बल उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो फेस ट्रैकिंग है अच्छी है, बट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की अभी जरूरत है। जो प्राइस है $79 उसमें अच्छी चीज है। और ऑब्वियसली इसका जो मेन फंडा है इस वाले गिम्बल का वो है इसकी पोर्टेबिलिटी। आप इसको बड़े ही मजे से अपने पॉकेट के अंदर कैरी कर सकते हो। आपके हाथ जितना ही बड़ा ये गिम्बल है और इतने छोटे साइज में जो फोन को कैरी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपको एक छोटा गिम्बल चाहिए अपने बैग के अंदर, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के लिए। और यहाँ पे मोड्स की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो ऐप के अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अभी हम लोग हैं ऐप के अंदर। और ऐप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, जब हम मोमेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंसेप्शन मोड है, नीचे आपको दिख जाएगा फैंटास्टिक रोटेशन, ऐसे काफी सारे मोड्स हैं, पैनोरामिक वीडियो, स्मार्ट मोशन टाइम लैप्स, डॉली जूम, डायनामिक, लकी, तो यहाँ पे काफी सारे मोड्स हैं। उसके अलावा ये है आपकी ऐप का लेआउट जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जूम, फॉलो, आप यहाँ पे देख सकते हो मोड्स। उसके साथ ही अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे मोड्स हैं। मैंने इसको ऑल लॉक मोड पे लगाया हुआ है, तो जब भी आप ये वाले गिम्बल को यूज करोगे, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कई बार बंदे भूल जाते हैं और वो बोल देते हैं कि भाई काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, तो आपको होएम प्रो ऐप के अंदर जाना है, गिम्बल को कनेक्ट करना है ऐप के साथ, उसके बाद यूज करना है। और मुझे तो काफी अच्छा लगा प्रोडक्ट, बट मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए। आपको सिर्फ एक कंडीशन में इसको लेना चाहिए, अगर आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो और आपको एक कॉम्पैक्ट सा गिम्बल चाहिए जिसको आप अपने साथ फील्ड में लेके जा सको, तो उस चीज के लिए बहुत ही परफेक्ट है, आपकी पॉकेट में फिट आ जाता है। और हाथ जितना ही छोटा इसका साइज है, और इतना छोटा साइज होने के बावजूद भी जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी स्मार्टफोन को ये हैंडल कर लेता है, तो ये एक अच्छी चीज है। और ये थी मेरी वीडियो होएम के आई स्टेडी एक्स गिम्बल के बारे में। अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। कैसा लगा गिम्बल प्लीज मुझे बताना कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।